मकसद है 19 लोग इस सीकर जिले की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, लेकिन एक भी भाजपा भी थे, कांग्रेस भी थे, निर्दलीय भी थे, लेकिन उन 19 में से हमारी सुध लेने के लिए 13 दिन और 72 घंटे में हमारी सुध ले ली, तो आने वाली 7 तारीख को हम पे भी उनकी सुध लेने की जरूरत नहीं है। इस 5 साल में बार बार आपने इस सरकार और इस वसुंधरा की प्रशासन को झुकाकर जनता को जीत दिलाई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उस कांग्रेस के लोगों से, क्या 5 साल में आपने किसी तहसीलदार को भी झुकाया है? तहसीलदार को भी नहीं झुकाया है। क्या कहते हैं हमने बहुत विकास किया भारतीय जनता पार्टी? मैं पूछना चाहता हूं 5 साल पहले जब यही विधानसभा का चुनाव था तो ये मां बहन बैठी है, रसोई वाला सिलेंडर 300 में आता था, अब कितने में आता है? 1000 कर लेगा। पेट्रोल और डीजल आसमान पे, महंगाई का विकास, भ्रष्टाचार का विकास, इसी 73 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने माफिया पैदा किए हैं। कोई रॉयल्टी माफिया है, कोई खान माफिया है, कोई शिक्षा और कोई चिकित्सा माफिया, केवल 71 साल में माफिया ही माफिया पैदा करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किया। 300 वाला सिलेंडर 960 रुपए, 300 वाली डीएपी 1450, रिकॉर्ड बढ़ाया विकास का। क्या अबे कल हमारे प्रधानमंत्री आए देश के, 7 जुलाई को उसी अमरूदों के बाग में जिसमें 8 दिन आप और हम बैठकर पहली बार राजस्थान के इतिहास में 20 लाख किसानों की बढ़ाई हुई पूरी की पूरी रेट, इसी वसुंधरा को घुटने टिका के वापिस लाने के लिए बातें किया, तो आप उसी में 7 जुलाई 2018 को कहा किसानों आपका बाजरा 1950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारी सरकार खरीदेगी। बाजरा तो काट लिया, उसे भी किसी ने बेचा है 1950 रुपए क्विंटल में। अरे इससे ज्यादा कोई झूठे नहीं हो सकते है। 1950 में 1 किलो भी इस देश और प्रदेश की सरकार ने नहीं खरीदा है। इस राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जमीन सबसे ज्यादा है, खनिज भी सबसे ज्यादा है, नमक से लेकर पेट्रोल और गैस तक आज राजस्थान में निकलती है, लेकिन वो सब खनिज संपदा से लेके जमीन तक खनिज तक इस 71 साल में कुछ मुट्ठी भर लोगों को मालामाल किया है, कंपनियों को मालामाल, नेताओं को मालामाल और अफसरों को मालामाल, और राजस्थान की 7 करोड़ जनता को बेहाल करने का काम किया। आज ये सरकार गरीब को 5 किलो गेहूं देती है, आप बताइए क्या 30 दिन जो निनाड करता है, जो फावड़ा चलाता है, जो हथौड़ा चलाता है, क्या 5 किलो में 5 किलो गेहूं में 30 दिन निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। और बीमा भी कह गुंटो लगाओ, बोले मशीन में गुंटा आपका मिलता नहीं, एक तरफ हमारा गुंटा तो फावड़ा बजाते बजाते कसी चलाते चलाते घिस जाता है, लेकिन वसुंधरा का नहीं घिसता, उसका घिसता है नोट, भ्रष्टाचार के नोट गिनते गिनते बसता है। ये मेरा तो आपसे निवेदन है कि ये संघर्ष उन बेईमान और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, किसान मजदूर नौजवान के खिलाफ है जो वायदे करके वायदे बुलाने का काम किया। यही वसुंधरा 5 साल पहले विधानसभा चुनाव में कह रही थी राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी तो 15 लाख बेटे और बेटियों को नौकरी दूंगी, लेकिन नौकरी तो नहीं दी,
लेकिन सिपाही पुलिस के सिपाही की भर्ती की परीक्षा देने के लिए इस राजस्थान के 15 लाख बेटा और बेटियां गई तो उनके कपड़े उतराने का काम किया, उनके जूते उतराने का काम किया, और मेरी बेटी कोई शादीशुदा गई तो उसका कांटा, उसकी बाली और उसका मंगलसूत्र उतराने का काम इस बेईमान वसुंधरा ने किया है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, क्या पेपर जूतों में था? क्या पेपर कपड़ों में था? पेपर न जूतों में था न बारियों में था, पेपर तो इस सरकार के अधिकारियों के पास था। उन बेईमानों को तो पकड़ नहीं सकती, और हमारे बेटे और बेटियों को बेइज्जत किया, उसका बदला लेने की बात आने वाली 7 तारीख को। ये मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप जिस संख्या में आए, निश्चित रूप से जिस तरह से आप रात को रोज से अपने खेत की जाव की रूखाड़ी करते हो, इन आवारा मोदी और वसुंधरा के सांडों से रूखाड़ी करते हो, इसलिए ये 2 रात इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रोजों से भी रूखाड़ी आपको अपने मत की और धोध की जनता की रूखाड़ी करने की जरूरत है। ये बार बार आपकी एकता पे, और अब अमरा राम और पेमा राम ही नहीं जाएगा। जब 11 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो पूरी क्रिकेट की टीम के खिलाड़ियों के साथ, फुटबॉल के खिलाड़ियों के साथ, अक्षरा भी उसके साथ जाएंगे। पहली बार राजस्थान की जनता ने चुनाव से 5 साल के संघर्षों से देखा है कि इस राजस्थान की 7 करोड़ जनता की तकलीफों के लिए कोई लड़ने वाला झंडा है तो केवल लाल झंडा धराती हथौड़े का निशान है, उसके अलावा कोई बोलता नहीं, कोई जनता को याद नहीं करता। इसलिए मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि आने वाली 7 दिसंबर को 5 बजे तक आपको दौड़ना है, और फिर 5 साल तक आपके हक और अधिकारों के लिए दौड़ने की जिम्मेदारी अमरा राम, पेमा राम और लाल झंडे के सिपाहियों की होगी। आज निश्चित रूप से आज आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, उनके पास अपन नारा लगाते हैं भाजपा और कांग्रेस आई चोर चोर, अब मोशेरे भाई में कमी रहेगी गए। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री मोरदिया जी कांग्रेस के नेता और मंत्री रहे हैं, उनका 273 करोड़ रुपया वसुंधरा जी माफ करती है। हमारे नारायण सिंह जी के परिवार का 86 लाख रुपया उसी अवैध खनन का वसुंधरा जी माफ करती है। अरे तो चोर चोर मोशेरा को नहीं सगा भाई है, कोई बाकी रहेगी? ये मेरा तो आपसे निश्चित रूप से इस किसी भी तरह की कोशिश करेंगे। अब हिड़काएगा ही है, हिड़काएगा को ध्यान रख पागी जरूरत है कि लाल नहीं लगाती। मैं तमाम भाई बहनों और दोस्तों को जिन्होंने ऐतिहासिक रैली करके ये सबूत दे दिया है, अखबार वाले लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि अखबार तो उसको लिखता है जो पैसा देता है, और हमारे पास अखबार और टेलीविजन को पैसा देने के लिए नहीं है। जो आप इस धोध की जनता ने तन से मन से और धन से इस लाल झंडे को आगे बढ़ाया है, मुझे खुशी है, और आपको तो एक रिकॉर्ड बनाना है। इस बात के बीच में होड और कंपटीशन है कि धोध से पेमा राम ज्यादा वोटों से जीते या अमरा राम ताता रामगढ़ से ज्यादा वोटों से जीते, इसकी आपको करना है। ये पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए, आप 7 दिसंबर को 5 बजे तक एक एक ढाणी, एक एक मोहल्ले, एक एक गांव में आपको तैयारी करके आने वाली 7 तारीख को उस मशीन में तराती हथौड़ा और तारे का निशान आएगा, उसके आगे वाला बटन दबा के
इस भाजपा और कांग्रेस को छुट्टी करेंगे और अपने हक और अधिकारों की संघर्ष की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान, सीपीआईएम जिंदाबाद। मैं बोलूंगा लाल लाल लहराएगा, पेमा जयपुर जाएगा आपके सबके आशीर्वाद से। लाल लाल लहराएगा, भाग नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस यूपी के अंदर 21,000 रुपए फकीरपुरा से चौधरी मोती सिंह जी ने चेक के रूप में उनके पुत्र अमराराम जी को सौंपेंगे। महेंद्र जी भाटिया एक चेक को आए और अमराराम जी को चेक सौंपे। इसके साथ ही रघुवीर सिंह जी शेखावत साणोदा लाडकनी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आपके साथ आए। अब मैं उस्मान का से निवेदन करूंगा कि वो आज के अध्यक्ष मंडल की तरफ से समाप्त करें। ग्राम पूरा का अपने आप को मेहनत करेंगे। उनको धन्यवाद। प्रोग्राम लाग रहे हो के मसीहा करने लगा भलाई। प्रोग्राम मिल गया आपकी पूछ चाहिए।
कम रेट कम रेट कम रेट।